आप सभी के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन की तरफ से आंगनवाड़ी भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आंगनवाड़ी की तरफ से आप सभी के लिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर और साथ में आंगनवाड़ी शिक्षक यानी कि आंगनवाड़ी टीचर्स के पदों पर प्रशिक्षण भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तरीके से लिंक को एक्टिवेट कर दिया गया है। आप सभी के पास अभी काफ़ी अच्छा समय है आवेदन करने के लिए। आपको आने वाली 4 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है। आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की प्रोसेस और कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको आगे इस वीडियो में दिखाया जाएगा। आप लोग अभी देख सकते हैं कि हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहां पे भी आप देख सकते हैं IHCEIndia.in। गूगल पे जाके आपको बस इतना टाइप करना है IHCEIndia.in, आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए होम के ऑप्शन के बाद अप्लाई ऑनलाइन की एक बटन है, आपको इस पे क्लिक करना होगा आवेदन करने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपको दो नोटिफिकेशन मिलेंगे, एक आपको सुपरवाइजर ब्लॉक हेल्थ मित्र और सहायक ब्लॉक हेल्थ मित्र की वैकेंसी का मिलेगा और एक और मिलेगा जो कि आंगनबाड़ी एंट्रेंस प्रोग्राम में, जहाँ पे आपको आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी टीचर और वर्कर के पदों पर प्रशिक्षण भर्तियों की डायरेक्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलेंगी। 4/11/2023 यानी कि आपको 4 नवंबर तक का समय मिला है। नोटिफिकेशन को यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और क्लिक हियर की बटन पे क्लिक करके आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलने वाला है। दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर पाएंगे और इसके अंदर महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा मौका है जो कि आंगनबाड़ी के अंदर जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं। चलिए व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप लोग अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। अभी देख सकते हैं कि हमारे सामने स्वास्थ्य एवं बाल शिक्षा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन भी मिलता है, साथ ही साथ अगर आप लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे तो आपको ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन करने का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी एक तरीके से आवेदन करना है। आप लोग एक तरीके से आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन मान्य हो जाएगा। देखिए आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में सीधे प्रवेश हेतु यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किए जा सकते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। ऑफलाइन आवेदन पत्र इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिल जाएगा। डेट्स की बात करें तो देख सकते हैं कि 5/9/2023 यानी कि 5 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा होना शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट आवेदन की 4/11 यानी 4 नवंबर की और शुल्क जमा करने की आखिरी डेट 5/11 की रखी गई है। और अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो ध्यान दें, यहां पे आपको बताया गया है कि 5/9/2023 से 5/11/2023 यानी कि आप लोग आने वाली 5 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें आपको तीनों के तीनों प्रशिक्षण के नाम मिल जाते हैं। आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए अगर आप आवेदन करेंगे तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। 21 से 28 साल के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे और प्रशिक्षण की अवधि 4 माह की रहेगी। आंगनवाड़ी टीचर के लिए 12वीं पास कंप्लीट होना चाहिए आपका 12th, और 18 से 35 साल के कैंडिडेट आवेदन करेंगे, 6 माह यहाँ पे आपकी प्रशिक्षण की अवधि रहेगी। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 10वीं पास होना कंपलसरी है, 18 से 35 साल की आयु सीमा है और 4 माह यहाँ पे आपकी प्रशिक्षण अवधि रहेगी। ये सारी उम्र की गणना 31/3/2023 के माध्यम से की जाएगी। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाता है आवेदन करने का, इसको आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा वन टाइम फीस पेमेंट पे ध्यान देना होगा, ये केवल एक बार आपको फीस पेमेंट करना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे तीनों पोस्टें हैं, तीनों प्रशिक्षण के नाम हैं। सुपरवाइजर की बात करें, जनरल के लिए 400, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 400,
एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 300 रुपए का एप्लीकेशन फीस रखा गया है। आंगनवाड़ी टीचर की बात करें तो जनरल के लिए 400, ओबीसी के लिए 400, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए 300 रखा गया है। और आखिरी जो पोस्ट है वर्कर का, जनरल के लिए 400, ओबीसी के लिए 400, एससी के लिए 300 और एसटी के लिए भी सेम यहाँ पे 300 रखा गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्जाम के सीधा सिलेक्शन होगा, तो देखिए अभ्यर्थी का प्रवेश चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा या फिर साक्षात्कार या फिर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। यानी जितना जल्दी आप जो है तो आवेदन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं, उतना जल्दी सिलेक्शन के चांसेस आपके बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया गया है फोटोग्राफ सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है, कौन सी फाइल रहेगी, क्या आपका साइज रहेगा, इसको देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे, 5 स्टेप आपको बताए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। पहला आपको पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसको पूरा करना है। उसके बाद पते का विवरण यानी कि एड्रेस की डिटेल देनी है। तीसरा नंबर फोटोग्राफ अपलोड करना है और फोटोग्राफ के साथ में आपको सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर भी अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको शुल्क का भुगतान करना होगा, फीस पेमेंट, और आवेदन का प्रिंट आउट आपको निकाल के अपने पास रख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में बताई गई हैं कैसे कैसे आप आवेदन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो ऑफलाइन जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, जिनको ऑनलाइन में प्रॉब्लम हो रही, वो ऑफलाइन तरीके से भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों फीस एकदम से सेम रहेंगी, चाहे आप ऑफलाइन आवेदन करें चाहे आप ऑनलाइन आवेदन करें, दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम रहेगा। यहां पे आपको एक एड्रेस देखने को मिलेगा, इस एड्रेस के अंदर ही आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है वो भर के सेंड करने होंगे, ठीक है। इसके बाद यहां से नीचे आ जाते हैं तो आपको यहां पे इनबिल्ड में ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा, इसको आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से निकलवा सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप थोड़ी सी जानकारी दूंगा, 3 पोस्टें हैं, जो भी पोस्ट आपको सही लगे, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन वैलिड हो, आप उस पे राइट टिक कर सकते हैं। बाकियों को आपको खाली छोड़ देना है, केवल एक जो पोस्ट है उसको राइट टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे बेसिक डिटेल है, आपको इनको फिल करना होगा, इसको फिल करेंगे और दिए गए पते पे आपको सेंड करना होगा। पता नोटिफिकेशन में ही मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र भेजने का पता यहाँ पे आपको डिटेल में दे दिया गया, ताकि आपका फॉर्म सही समय पर सही जगह पहुँच जाए। ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आइए मैं थोड़ा सा एक बार और आवेदन करने के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे आपको परेशानी ना हो इसीलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा आप ihceindia.in ऑफिशियल वेबसाइट गूगल पे टाइप करेंगे, आपको पहले नंबर पर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड चाइल्ड एजुकेशन की वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इस पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का जो टैब मिल रहा इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास दोनों वैकेंसीज आ जाएंगी। इसके सामने आपको नोटिफिकेशन रीड करने का ऑप्शन और क्लिक हियर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको करना क्या कि एक बार और अपनी पोस्टों को देख लेना, कोर्स को देख लेना, कौन सी कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसी के सामने जो अप्लाई नाउ का बटन है आपको एक बार क्लिक करना है। एग्जांपल के लिए मुझे सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहां पे अप्लाई नाउ की बटन पे क्लिक करूंगा, यहां से मेरा फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आपको इसके अंदर डिटेल्स देनी होगी, जो जो डिटेल यहां पे मांगी गई है, यहां से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये काम आपको कर लेना है अगर आप एलिजिबल और इंटरेस्टेड हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।